Let's improve English. Hey everybody, welcome to Let's Improve English. दोस्तों देखते हैं आज की कुछ sentences जो आपके लिए बहुत useful होने वाले हैं. उन सभी का translation देखेंगे हम. उसे मनाने में मुझे 2 घंटे लग गए. 2 घंटे लग गए उसे मनाने में मुझे. It took me 2 hours to persuade her. It took me. दोस्तों simple past इसलिए take की second form took. It took me. यानी मुझे लगे 2 hours. 2 घंटे to persuade her. दोस्तों persuade करने का मतलब मनाना होता है. किसी को समझाना बहलाना मनाना. It took me 2 hours to persuade her. उसे मनाने में मुझे 2 घंटे लग गए. समझ नहीं आ रहा उसे कैसे मनाऊं. I don't know how to persuade her. I don't know how to persuade her. फिर तुमने उसे कैसे मना लिया. How did you manage to persuade her. यानी कैसे मना पाया तू उसे. How did you manage to persuade her. दोस्तों इस तरीके से आप persuade का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में. उसका विश्वास जीतना मेरा सपना है. विनिंग हर ट्रस्ट इज माई ड्रीम. विनिंग हर ट्रस्ट यानी उसका विश्वास जीतना. दोस्तों विन में आईएनजी लगाया हमने. विनिंग हर ट्रस्ट यानी उसका विश्वास जीतना इज माई ड्रीम. मेरा सपना है. विनिंग हर ट्रस्ट इज माई ड्रीम. तुम उंगली पकड़ के क्यों चलते हो. कोई कोई ऐसे चलता है तो उसे हम कहते हैं Why do you hold my finger while walking? कोई कोई बच्चे जो है उनकी आदत होती है ऐसे चलने की. Why do you hold my finger? यानी तुम मेरी फिंगर को क्यों पकड़ते हो. पकड़ने के लिए हम hold word का यूज़ करते हैं. Why do you hold my finger? तुम उंगली क्यों पकड़ते हो while walking? चलते वक्त. यानी उंगली पकड़ के क्यों चलते हो यार. कुछ भी करने से पहले मुझे बुला लेना. कुछ भी करने से पहले मुझे बुला लेना. बिफोर यू डू एनी थिंग कॉल मी. यानी कॉल मी मुझे कॉल कर लेना मुझे बुला लेना. बिफोर यू डू एनी थिंग इससे पहले कि तुम कुछ करो. ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है. ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. इट्स इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ज़रूरी होता है टू बी ऑनेस्ट. क्या ज़रूरी होता है टू बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट होना ज़रूरी होता है. जैसे इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फनी. फनी होना ज़रूरी होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी हार्ड वर्किंग. मेहनती होना ज़रूरी होता है. वैसे इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट. दोस्तों आपको एक नहीं बल्कि कई सेंटेंसेस बनाने चाहिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके. तुम समय के साथ समझ जाओगे. यू विल अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यू विल अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी समय के साथ तुम समझ जाओगे. यू विल अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. उसे ख़त्म करना अब मेरा मकसद बन गया है. किलिंग हिम हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू माय मिशन. किलिंग हिम यानी उसे जान से मार देना. हैज़ नाउ टर्न्ड प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टर्न्ड. हैज़ नाउ टर्न्ड यानी अब बन गया है इनटू माय मिशन. यानी मिशन के अंदर तब्दील हो गया है. टर्न हो गया है इनटू माय मिशन. इसका मतलब बनता है कि मेरा मकसद बन गया है उसे मारना. किलिंग हिम हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू माय मिशन. उसे मारने का जो एक्शन है किल करने का जो एक्शन है ना वो एक्शन टर्न हो गया है इनटू माय मिशन. मेरा मिशन बन गया है वो. दोस्तों इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखती रहिए. आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी. अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है. लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपकी इंग्लिश हमेशा इंप्रूव होती रहे और आप नई से नई चीज़ें सीखते रहें. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.